देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। ऋषिकेश के लाला अरविंद बलूनी ने युवा आदमी के तौर पर देश में बनाई अपनी खास पहचान। 1200 रुपए से शुरू TDS ग्रुप 500 करोड़ रुपए के साम्राज्य के रूप में हुआ स्थापित। महामहिम राज्यपाल ने भरत मंदिर इंटर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में अरविंद को विद्यालय के नायाब रत्न के रूप में किया सम्मानित। सफलता उसके कदम चूमती है, कामयाबी के शिखर को छूने के बाद भी उन्हें अपनी मिट्टी से बेपनाह प्यार है। उत्तराखंड राज्य और संस्कृति के लगाव की वजह से ही पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ तक उसने गढ़वाल की संस्कृति को एक मजबूत पहचान देने में सेतु का काम किया है, या यूं कहें कि एक मिनी उत्तराखंड वहां भी बसाया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के देवभूमि ऋषिकेश के युवा उद्यमी अरविंद बलूनी की, जिसने महज 2 दशकों में फर्श से अर्श तक का सुनहरा सफर बेहद तेजी के साथ तय किया है। उसके द्वारा चंडीगढ़ में महज 1200 रुपए से शुरू किया गया TDS ग्रुप आज 500 करोड़ रुपए के साम्राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है। विभिन्न औद्योगिक घरानों के साथ मिलकर अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को ऊंची उड़ान दे रहे ऋषिकेश के सोमेश्वर नगर में स्वर्गीय तारादत्त बलूनी के परिवार में जन्मे अरविंद की उपलब्धियां आज किसी को भी रोमांचित कर सकती हैं। ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से वर्ष 92-93 के बैच में कला संकाय में टॉप करने वाले अरविंद बलूनी को आज विद्यालय के गोल्डन जुबली समारोह में नायाब रत्न के रूप में सम्मानित किया गया। शहर के गौरवशाली विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर विभिन्न स्थानों में सफलता की बुलंदियों को छूने वाले अन्य छात्रों के साथ युवा आदमी अरविंद बलूनी ने भी प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री KK पाल के हाथों पुरस्कार हासिल किया। क्राइम स्टोरी से मुलाकात में अपनी उपलब्धियों का श्रेय युवा आदमी अरविंद बलूनी ने तमाम शिक्षकों के साथ साथ अपने दिवंगत माता पिता व प्रेरणा स्रोत रही अपनी पत्नी अंजलि को दिया है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश से अमित सूरी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।